खेसारी दया का एक गाना आया है अहिरान बम, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि खेसारी भैया फिर एक बार जातिवाद गाना गा दिया, वो भी बोलबम में गा दिए हैं सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भैया का भले फैन है लेकिन गाना हमको भी पसंद नहीं पड़ा, भक्ति गाना था, इसमें जातिवाद क्या करना है। बम तो सारे जात के होते हैं ऐसा, तो अब 10 को जा रहा डगर में, अब बोलेगा हम अहिरान बम है तो बोलेगा हम बबुआन बम है, चमरान बम है, तो ऐसे भी होता है। हो रहा है सर, अभी हाल ही में एक गाना गा दिए बबुआन बम, तो धीरे धीरे कोई अहिरान गाएगा बबुआन चमरान, नहीं तो ये सब गलत है। अरे की घूंघाटा उठावे में ला जाइले पियावा, औ अंजोरावे में सुतलई नहीं भूतैले कही दियावा, अहे की बारा जब बजल तऊ जम्प मारो है, कि बारा जब बजल तऊ जम्प मारो है, अपलंग पर सुता के पियावा पंप मारो है। हम भोला जी का हैरान बम है तो बोला चमरान बम है, तो भूमियार बम है, तो बबुआन बम है, इससे गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ हैं भोजपुरी और मगही के मशहूर सिंगर रोशन रोही जी। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं जी? नमस्कार प्रणाम, हम आप सबके भाई मगही एंड भोजपुरी गायक रोशन रोही, बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भैया। गाने की शूटिंग पे हैं, कितने गानों की शूटिंग हो रही है? आज 2 गाना का कर रहे हैं। कब तक हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगी? कल से परसों तक। भैया इस बार जैसे कि सावन 2 महीना का है, आप कितना तैयारी कर रहे हैं और कितने गाने आपके आने वाले हैं? लमसम 40 से 50 तक, 40 तक आएगा बोल रहा गाना। बाप रे इतने गाने! जी जी, बहुत सारा कंपनी हो गया है तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। जी जी, आपके जितने भी गाने आ रहे हैं बैक टू बैक, दर्शकों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, पंप हो गया, परवल हो गया, और सारे छोड़ी कुंवर की हो गया, और काफ़ी ज़्यादा गाना हिट है जो कि जवान पे नहीं है। अभी जो पंप वाला है, जैसे बोला कि गाना बहुत वायरल चल रहा है, लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, चाहेंगे गाना 2 लाइन हो जाए? अरे की घूंघाटा उठावे में ला जाइले पियावा, औ अंजोरावे में सुतलई नहीं भूतैले कही दियावा, अहे की बारा जब बजल तऊ जम्प मारो है, कि बारा जब बजल तऊ जम्प मारो है, अपलंग पर सुता के पियावा पंप मारो है। जिस तरह ये गाना को काफ़ी प्यार मिला, और एक हाल ही में आपका गाना आया था कुछ दिन पहले, कि आपने गाया था कि उन्हें खेसड़िया रोतोगे उन्हें पवनवा रोतोगे, ऐसे करके कुछ है, उन्हें खेसड़िया टोतोगे उन्हें पवनवा रोतोगे, उस गाने पे भी काफ़ी विवाद हुआ था, लोग कंट्रोवर्सी कर रहे थे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, आपका रिप्लाई क्या होगा? देखिए हम तो गाए थे मजाक में गा दिए थे, खेसारी भैया पवन भैया विवाद चल रहा था, मजाक में बस गा दिए, मजाक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए। कहीं मतलब इस आपने ये नहीं सोचा शायद इससे किसी के दिल को ठेस पहुंचेगा? ये नहीं, गाना है, गाना से क्या ठेस पहुंचेगा? नहीं, हो जाता है, अपने पैगर ले लेते हैं तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस गाना है, गाना को गाना अपने से देखिए। आप मगही में भी गाते हैं, भोजपुरी में भी गाते हैं, आप जब गायकी की शुरुआत किए हैं तो आप किन्हें आइडियल मानते हैं? आइडियल जो सीनियर है सबको आइडियल मानते हैं, खेसारी भैया हो गए, पवन भैया हो गए, बताना कि हम उनको फॉलो करते हैं ज़्यादा, खेसारी भैया को करते हैं ज़्यादा, खेसारी भैया को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अभी खेसारी भैया का एक गाना आया है अहिरान बम, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है, लोगों का ये कहना है कि खेसारी भैया फिर एक बार जातिवाद गाना गा दिए, वो भी बोलबम में गा दिए हैं सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भैया का भले फैन है लेकिन गाना हमको भी पसंद नहीं पड़ा, भक्ति गाना था, इसमें जातिवाद क्या करना है। बम तो सारे जात के होते हैं ऐसा, तो अब 10 को जा रहा डगर में, अब बोलेगा हम अहिरान बम है तो बोलेगा हम बबुआन बम है, चमरान बम है, तो ऐसे भी होता है। हो रहा है सर, अभी हाल ही में एक गाना गा दिए बबुआन बम, तो धीरे धीरे कोई अहिरान गाएगा बबुआन चमरान, नहीं तो ये सब गलत है। अब देखिए कांवर में लाखों का भीड़ रहता है, जुलूस रहता है, और कांवर में पैसा बचेगा तो लोगों को बुरा लगेगा, दूसरे जातों को तो वही ना बोले, वो तो फिर भक्ति में भी टीम हो गया। हम भोला जी का अहिरान बम है तो बोला चमरान बम है, तो भूमियार बम है, तो बबुआन बम है, गलत बात है, भक्ति में ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सीखा, गाने के माध्यम से आप काफ़ी धमाल मचा रहे हैं, और भोजपुरी में जहाँ तक जितने भी सिंगर आते हैं, सिंगर से एक्टर बन जाते हैं, आप फिल्म में कब नजर आने वाले? फिल्म बहुत जल्द आएगा, बात चल रहा है, और अपने फिल्म अपने भाषा के लिए करेंगे, मगही के लिए करेंगे। अच्छा, जो लोग भोजपुरी, आप भोजपुरी में हैं और जो लोग ये भोजपुरी में विवाद ये सब हो रहा है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे?
और भोजपुरी में विवाद चल रहा है तो पवन भैया खेसारी भैया को यही ना बोलेंगे, उनको उनको हम क्या बोल सकते हैं, दोनों बड़े भाई हैं। तो अगर इसको साइड करके आप दोनों काम पे फोकस कीजिएगा तो हो सकता है कि भोजपुरी जितना जितना लेवल पे है उससे और ज़्यादा लेवल पर जा सकता है। इससे आप लोगों को कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सीनियर कलाकार कहीं ऐसा तो नहीं कि चर्चा में रहने के लिए लोग हमेशा ऐसे करते हैं, उससे जूनियर कलाकार को कितना इफेक्ट पड़ता है? तो चर्चा में ऐसे कब तक रहिएगा, ऐसे करके आप चर्चा में कब तक रहिएगा? जब तक आपका गाना नहीं बजेगा, आपका फिल्म नहीं चलेगी तो चर्चा में कैसे रहिएगा? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री से जातिवाद खत्म हो सकता है? कहना हो सकता है, एकदम जरूर होगा। लेकिन अहिरान भगवान और ये सब चलते रहेगा तो कैसे खत्म होगा? खत्म होगा, सबका होगा। चलिए आप शूटिंग पे हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अपने गानों के लिए अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शक को ये कहेंगे कि भाई का मेरा न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है एच न्यूज़, आप लोग जाके सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे और लाइक हमें सब्सक्राइब सब कीजिएगा और इस पे मेरा वीडियो आएगा। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज थे हमारे साथ रोशन रोहित जी और इनके बातों से आप कितनी सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।